हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आज के सुनो बात करने वाले हैं हम ट्रक सिमुलेटर प्रो यूरोप गेम के बारे में। गाइस यहां पर मेरे पास भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया हुआ था, तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं ये गेम आप सभी के लिए। गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, गेम के ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं, मुझे गेम काफ़ी अच्छा लगा है ये, और मेरे भाई लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया हुआ था। तो आप लोगों ने कमेंट किया और मैं पूरा ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। तो कैसे करना है इसे डाउनलोड और कैसे करना है इसे गेम को इंस्टॉल वगैरह सब कुछ, उससे पहले यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो, और बेल आइकन को जरूर दबा दो जिससे कि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मैं चलिए स्टार्ट कर देते हैं कैसे आपको सब कुछ क्या करना है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही गाइस लिंक पर क्लिक करने के बाद सिंपल आप इस साइड पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड एपीके एंड डाउनलोड चाचे फाइल आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड एपीके जो एपीके हमें दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लेगी, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आपकी जो फाइल होगी उसमें एमबी शो कराएगी, ठीक है। अगर बिना एमबी शो करा रही है तो उस आपको उसे डाउनलोड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक हियर पे क्लिक किया और यहाँ देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है 40 MB की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एमबी शो नहीं करा रहा है। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं जिससे कि हमारी ये जो लोडिंग चल रही है वो हमें जल्दी डाउनलोडिंग के लिए दे दे एप्लीकेशन। तो गाइस जैसा कि आपने देखा गाइस यहाँ पर आ चुकी है 40.87 MB। तो आपको यही डाउनलोड करनी है, ठीक है। आप वैसी डाउनलोड बिल्कुल मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो हमारी एप्लीकेशन नहीं है, वो कुछ और ही फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लेकिन आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है जो MB शो कराए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर MB शो करा रही है, आपको यही डाउनलोड करनी है। तो जैसा ही गाइस डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको बैक आ जाना है। मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड चाचे दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और आप कुछ इस साइड पर इस जगह पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर भी आपको सेम ही वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे कि देख सकते हो 645 आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, MB शो कराएगा, ठीक है। बिना MB शो कराए वाले आपको डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपकी फाइल है वो गेम नहीं होगा, कुछ और ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। इनको डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको एक और लिंक मिलेगी ZRNC पर एप्लीकेशन की, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ उसे। तो जैसा ही गाइस ओपन करने के बाद सिंपल आपको अपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है जहाँ पर अपनी गेम को आपने डाउनलोड करके रखा हुआ हो। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ पर गाइस आपकी जो जिप फाइल आई होगी 645 MB की और आपका एप्लीकेशन 40 MB का। तो सिंपल सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ उसे और इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है इंस्टॉल, आपको इसे डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपकी जो जिप फाइल है आपको उस पर क्लिक करना है और अब इसे व्यू कर लेना है, ठीक है। और यहां पर आप जो फोल्डर देख रहे हैं सिंपल आपको उसे प्रेस करे रहना है, यहां से आपको उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहाँ से उस डिवाइस में ले जाना है, ऊपर से उस डिवाइस में लेना है जिस भी डिवाइस में आपने इस गेम की जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल की है। आपने इंटरनल मेमोरी में की है तो इंटरनल मेमोरी जाना है, अगर आपने SD कार्ड में की है तो SD कार्ड में जाना है। मैंने इंटरनल मेमोरी में की तो मैं यहाँ से इंटरनल मेमोरी में चला जाता हूँ। यहाँ से गाइस आपको एंड्रॉयड में जाना है, OBB में आपको उसे पेस्ट कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पर देख सकते हो फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो सिंपल आपको ऐसे ही होने देना है इसे। तो जैसा ही गाइस आप यहां देख सकते हो हमारी फाइल हो चुकी है एक्सट्रैक्ट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना नेट भी ओपन नहीं करना क्योंकि ये गेम ऑफलाइन चलेगा गाइस।
तो यहाँ पर गाइस अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो, आपको लग रहा हो कि ये वो गेम नहीं है जो कि 300 रुपये से ज़्यादा का मिल रहा था, तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर चेक कर लीजिए, जब आपने गेम को इंस्टॉल कर लिया हो तब, ठीक है। तो जाकर प्ले स्टोर पर और इस गेम को सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो सिंपल अब मैं यहाँ पर गेम को ओपन करके और दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे गाइस मैंने यहाँ पर कर लिया गेम को ओपन, यहाँ कुछ परमिशन मांग रहा है, सिंपल मैं यहाँ अलाउ कर देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर हमारा गेम ओपन हो रहा है। अगर गाइस आपको कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।